अब जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हम सुपरदारी में जाते हैं, हमारा कोई भी सामान है, मतलब हमें रिलीज करवानी है, कोई मान लो व्हीकल रिलीज करवानी है, या हमारा कोई मोबाइल फोन हमें रिलीज करवाना है, या स्पोर्ट हमें रिलीज करवाना है, कोई एनिमल, ठीक है, तो या कोई हमें रिलीज कराना है अपना कोई फोन, मतलब मोबाइल फोन या कुछ भी, वट एवर, जो भी हमारा मतलब जब्त हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, ये जैसे कि इसमें ट्रक है और इसमें जैसे कि ये पांच एनिमल हैं, ठीक है, ये ट्रक है, तो ये पांच एनिमल सब करके, जैसे घोड़ेदारी होती है, घोड़े वगैरह वो कर रहते हैं, ढो रहते हैं माल, तो उसके लिए बताए, और जैसे कि अमाउंट ऑफ 13,000, जैसे कि उनका सुपरदारी, तो कभी कभी पैसे भी अपने रिलीज करवाने होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मामले आते हैं, इनका कैसे ड्राफ्ट करते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं समझ आते, तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये चीज़ों को ड्राफ्ट कैसे किया जाए, कि ये ड्राफ्ट करना यदि आपको आए तो आपको एक वकील के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना खुद का मामला थोड़ा बहुत खुद भी ड्राफ्ट करके एफिडेविट बनवा के अपना जो भी रिलीज करवाना चाहते हैं रिलीज करवा पाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें ये है वीट का है, अभी गेहूँ इतने क्विंटल की है, इसमें जैसे रिलीज करें तो मतलब रिलीज किसी बहुत कारण से, जैसे ये टू गोल्ड ब्रेसलेट है, ठीक है, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह बहुत सारे होते हैं, मतलब रिलीज कराने का मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट समझाती हूँ, मेनली जो भी आपके कोर्ट के जो वहाँ के वो होंगे आप उनका नाम लिख सकते हैं, यदि आपको नहीं पता कि वहाँ आपके जो कोर्ट के LD कौन है, ठीक है, आप उसको सिर्फ JMIC से संबोधित कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपको उनका नाम पता तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे हमें इनका नाम पता भी हिमांशु सिंह या JMIC पानीपत के, तो हमने लिख दिया, कहीं जगह हमने नहीं लिखा क्योंकि हमें नहीं पता था कि JMIC कौन है पानीपत के, तो हमने सिर्फ ये लिखा इन द कोर्ट ऑफ LD लर्न JMIC, JMIC के बीच में आपको डॉट 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 डालना है, पानीपत इससे डालना है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये ड्राफ्ट करना है, साथ में आपको जब ये स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है भाई, हम उसका नाम नहीं लेना चाह रहे, VS मतलब जो भी जिसका ये केस है उसका नाम लिखेंगे, FIR नंबर आपको लिखना है, कितनी डेट को फाइल हुआ, कौन कौन से इसमें सेक्शन लगे वो आपको मेंशन करने होंगे, जैसे इसमें 323 लगा, 225, 379, इसमें जो केस लगा है 120B का लगा है, इसमें जो सेक्शन लगा है एनिमल वाले केस में अंडर सेक्शन 11AC, मतलब एनिमल के लिए जो ये एक्ट है, मतलब ठीक है एनिमल केयर एक्ट है जो भी, ठीक है, तो इसमें जैसे कि एनिमल से रिलेटेड था, और इस तरीके से हर मतलब जो भी केस होता है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन लगते हैं, जैसे इसमें 120B 365 है, ये क्या कहते हैं, केस टू केस डिपेंड करता है, जैसे गोल्ड ब्रेसलेट में 379 411 लगा है, वीट वाले मामले में 379 लगा है, ठीक है, तो इस तरीके से हर जगह मतलब आपके सेक्शन बदलते जाएंगे, अब जैसे कि व्हीकल ट्रक बेयरिंग का मामला था, इसमें 379 लगा है, 304A लगा है, तो मामले के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है कि आपके सेक्शन अलग लगेंगे। ओके, अब जैसे इसमें सब्जेक्ट में आपको लिखा है एप्लीकेशन फॉर रिलीजिंग द व्हीकल बेयरिंग, जैसे व्हीकल का जो भी आपका बेयरिंग नंबर हो वो लिखेगा, ये आपका मामला मान लो स्पोर्ट डेट मोबाइल से रिलेटेड है कि मोबाइल या एनिमल से रिलेटेड, तो एप्लीकेशन फॉर रिलीजिंग जैसे एनिमल से रिलेटेड तो एनिमल लिखा, एग्जाम्पल टू द एप्लीकेंट ओनर ऑन द सुपरदारी, ठीक है, तो यदि इस तरह हो, यदि आपको फोन का मामला है जैसे कि फोर मोबाइल है, तो सैमसंग के जैसे इसके ये लिखा कि एक मोबाइल ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, द एप्लीकेंट ओनर ऑन द सुपरदारी, ठीक है, तो इस तरह ये लिखना है द एप्लीकेंट ओनर ऑफ द सुपर ऑन सुपरदारी और रिस्पेक्टेड सर द एप्लीकेंट सबमिट एज अंडर, तो इसमें आपको जो भी थाना है, और जैसे पानीपत का ये मामला, ठीक है, तो ये इसकी कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है ये अब वो मामला, और जिसमें मोबाइल फोन है वो चाहते हैं कि भी रिलीज किया जाए सुपरदारी पर, ठीक है, बिल्स और सभी कुछ मतलब अटैच कर दिए गए हैं, तो इस तरीके से जो भी आपका व्हीकल का होगा तो वो व्हीकल का मामला होगा तो उसके भी आपको जैसे कि मतलब डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ताकि आप कह पाए मतलब प्रूफ कर पाए कि आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी गुड्स है। ओके, तो इसमें जैसे एप्लीकेंट है शैल नोट ट्रांसफर, वो नहीं चाहता कि ट्रांसफर किया जाए द सेम टिल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ द केस का जो भी फाइनल डिसीजन तक सेम कोई भी मतलब एप्लीकेंट शैल नॉट ट्रांसफर द सेम मतलब ठीक है ट्रांसफर ना हो शैल नॉट ट्रांसफर दी जो भी अबोव सेड व्हीकल है नो मोर रिक्वायर्ड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब जरूरी नहीं है, तो मतलब रिलीज कर दे, तो हम जैसे कोई रिलीज मांगते हैं अपने फ़ोन की एनिमल की या कुछ भी, तो जैसे अब उसकी इन्वेस्टिगेशन में इसको नहीं चाहिए तो वो दे दे, तो आपको अपनी कहानी के अकॉर्डिंग लिखना होगा ये, ठीक है, जैसे कि इसमें ये फ़ोन का मामला है तो इसमें क्या है कि एक द मोबाइल फोन इज लेइंग इन ओपन यार्ड, ये ओपन यार्ड पड़ा था, ये डैमेज हो गया था काफ़ी रीजन की वजह से,
ठीक है, तो ये अब सुपर द्वारा अप्लीकेंट के फेवर में सुपर द्वारा को ये रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी मामला लिख सकते हैं यदि मामला इस तरीके बनता हो। अब जैसे कि इसमें जो एनिमल का मामला है, इसमें ये भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेस होनी चाहिए, तो ये एनिमल भाई मतलब रिलीज कर दी जाए, तो इस तरीके से भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू केस। ठीक है, अब जैसे कि ये जो द एप्लीकेंट है वे इसमें चाहता है कि जो सेल अबाइड ऑल द जो टर्म एंड कंडीशन है जो कि इम्पोज की गई है, वे एलडी कोर्ट इन द दिस रिगार्ड। ठीक है, सेल अबाइड है मतलब अबाइड है, तो भी वो प्रे करता है कि जो व्हीकल है भी रिलीज कर दी जाए सुपरदारी पर एप्लीकेंट के फेवर में, एप्लीकेंट को जो ये केस मतलब ये जो बात लिख रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के फेवर में। अब एप्लीकेंट को यहाँ अपनी डिटेल लिखनी होगी और डेट लिखनी होगी, अपना सिग्नेचर करना होगा। थ्रू काउंसिल हो तो उसके काउंसिल का एनरोलमेंट नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम मेंशन होगा। तो काफ़ी आसान होता है ये रिलीज की जो वो होती है एप्लीकेशन। तो यदि आपके चाहे एनिमल से रिलेटेड है, चाहे आपका फ़ोन से रिलेटेड मामला है, चाहे कोई सा भी मामला है, तो सभी का लगभग एक समान ही होता है। थोड़ा थोड़ा उसमें जो बात है सेक्शन वगैरह चेंज हो जाते हैं और लगभग इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के लिए। ड्राफ्टिंग के इस चैनल पर बने रहिएगा, और आपको ये चैनल अच्छा लगा तो, कंटेंट अच्छा लगा तो, पावरफुल लगा तो हमें जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में हमारे जो अदर चैनल्स हैं उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं सोशल मीडिया पर अपना प्यार देने के लिए हमें वहाँ पर भी फॉलो करिएगा और चैनल को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहता है। आज की वीडियो में इतना ही।